हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लाया हूँ महिंद्रा इवो 415 DI। इसका जो है स्टीयरिंग में काम नहीं कर रहा है, स्टीयरिंग पूरी तरीके से जो है जाम हो चुका है। आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं अभी गाड़ी को। देख सकते हैं गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिए हैं। अभी स्टीयरिंग घुमाने से चक्का इतना ही काम कर रहा है, उससे ज़्यादा कटिंग नहीं हो रहा है। इसका कटिंग भी एकदम कमजोरी आ गया है, जैसे कटिंग एकदम हल्का कटिंग हो रहा है। इसका जो है स्पिंडल पूरी तरीके से जाम हो चुका है। जाम होने के कारण जो आयल फिल है, आयल टाइल लीकेजिंग हो रहा है, देख सकते हैं। अब इसके चक्का को खोलेंगे हम, बंद करो। देखो चक्का का जो चेकनाट है, चेकनाट खोलेंगे। खोलने के बाद चक्का बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं स्पैंडल किस तरीके से जाम हो चुका है, हिल नहीं रहा है। अभी इसको खोलेंगे हम पूरा। पहले इसका जो आराम है, आराम को निकाल लेते हैं बाहर। देख सकते हैं इसका जो साइड का जो आराम है, आराम को मैंने निकाल लिया हूँ। इसके बहुत जाम है स्पैंडल, इसके स्पैंडल नहीं निकल रहा है। इसको हम बोरा में भर के लेके जा रहे हैं, पेशार से निकाल के लाएंगे। देख सकते हैं अब इसका स्टीयरिंग जैक में लीकेजिंग है। जैक का जो आयल सील है, आयल सील बदलेंगे। उसके पहले क्या है, इसको हम खोल रहे हैं। दो पाइप को निकाल लेना है आपको, चार बोल्ट है, बोल्ट को निकाल लेना है। उसके बाद जैक को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के इसको आयल सील खोल के आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसका आयल सील खोला जाता है। देख सकते अभी इसका जो जैक का आयल सील है, आयल सील को हम निकालेंगे बाहर। देख सकते अभी लॉक को निकाल लेना है बाहर। लॉक को मैंने बाहर निकाल लिया है, दो लॉक है इसमें। अभी क्या है, थोड़ा साफ कर लेंगे साइड में। देख सकते हो अंदर में एक लॉक है, लॉक को कुछ इस तरीके से आपको बाहर तरफ निकाल लेना है। देख सकते हो लॉक लॉक निकल गया है। अब इसको पेचकस की मदद से लॉक खोलेंगे हम। जैसे तो लॉक कुछ इस तरीके से निकल लेना है लॉक। अब इसको जेक को बाहर निकालेंगे, जो आयल सील जहाँ लगा हुआ है। जैसे तो अभी इसको निकालेंगे हम, जहाँ आयल सील लगा रहता है। जैसे इसका शाफ्ट जेक है, निकल गया है पूरा। अभी आयल सील कुछ इस तरीके से इसका आयल सील है। पहले देखते हैं शोरूम में, पता करेंगे आयल सील मिलेगा तो ठीक, नहीं तो इसी को फिट कर देंगे। देख सकते सामान जो है मैं भानू से लेके आया हूँ। देख सकते इसका सामान, इसका पार्ट नंबर, पूरा जो सामान है मैं लेके आया हूँ। स्टीयरिंग का जो स्पिंडल था, स्पिंडल नहीं निकल रहा था, इसलिए फिटिंग करने के लिए लेट हो रहा है, बहुत जाम निकला। अभी इसको फिट करेंगे हम आयल सील को। जैसे आयल सील को हम निकालेंगे पहले, तो जिस तरीके से आपको आयल सील निकाल लेना है, देख सकते हैं ये जो साइड है, ये अंदर की तरफ रख के आपको फिटिंग करना है। दो आयल सील है इसमें, दोनों आयल सील को निकालूंगा मैं। देख सकते हो आयल सील कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है पेचकस से। अब इसको थोड़ा साफ कर लेंगे। नया आयल सील, आयल सील को हम खोल लेते हैं। जैसे आयल सील पूरा जो आयल सील है, अभी इसको हम फिटिंग करेंगे। आयल सील को आपको देख के फिटिंग करना है। ये जो कॉलर टाइप का है, ये बाहर बाहर का है और ये अंदर का है। ये अंदर वाला आयल सील को
इस तरीके से आपको सेट कर रहा है। तो दूसरा जो आयल सील है, आयल सील को हम सेट करेंगे। आयल सील को इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। इस तरीके से अब लगाने से क्या उल्टा हो जाएगा। देखो दो ओरिंग है, ओरिंग में कुछ इस तरीके से आपको निकल लेना है, पुराना नया ओरिंग इसमें सेटिंग कर देना है। ऐसे इस तरीके से आपको सेटिंग कर लेना है, दोनों तरफ का आयल सील आपको सेट कर लेना है। अंदर वाला है दोनों एक ही पोजीशन से आपको सेट करना है। इधर सेटिंग हो चुका है, अभी बाहर वाला जैसे सेटिंग हो चुका है। अभी ओरिंग, नया ओरिंग कुछ इस तरीके से आपको स्टरिंग का जो आयल सील है आयल सील को सेटिंग कर लेना है। ये हो गया, अभी इसका ओरिंग को चेंज करेंगे हम। जैसे इसका भी ओरिंग को आपको निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। अंदर में भी एक ओरिंग है, ये नया ओरिंग इसका ऊपर का, इसको आसानी से आपको आराम से फिटिंग करना है, नहीं तो टूट जाता है। देख सकते हैं ये फिटिंग हो चुका है, अब इसको हम सेट करेंगे। पहले एक सेट का लगा लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग कर लेना है। पहले एक ठो लॉक, सेटिंग हो चुका है। अभी इसका जो राड है, राड को डालेंगे। ऐसे कुछ इस तरीके से आपको फिटिंग कर लेना है लॉक। लॉक को भी सेट कर लेना है। सेट करना है जिस तरीके से।
देख सकते हैं अभी लॉक का जगह हम निकाल लिए हैं, लॉक को बैठ फिटिंग करेंगे, कुछ इसी को सेट कर लेना है। जैसे लॉक सेटिंग हो चुका है, अभी इसका ऊपर वाला लॉक को भी जिस तरीके से बोले निकाल लेना है, लॉक को सेटिंग कर देना है। इस तरीके से आप अपना जैक का एलसील जो है बदल सकते हो। दाम था उसका जो बैरिंग है, बैरिंग को हम चेंज करेंगे। टैक्सपिन का बैरिंग है, टैक्सपिन का बैरिंग है T128 नंबर का बैरिंग है T128। इसको कुछ इस तरीके से करना है, जो एल सी ऊपर में एल सी को भी सेटिंग कर लेना है आपको। इसको मैंने पूरा सेट कर लिया है, इसको फिटिंग करेंगे। बोल्ट जैसे जेक को अभी सेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग करके कंप्लीट कर देंगे फिटिंग करके। तो इस तरीके से आपको जेक को सेटिंग कर लेना है। उसके बाद दो पाइप देख सकते हैं, जो पाइप है पाइप को भी सेटिंग कर लिए हैं। अभी इसका जो गोली है इसको नया डालेंगे। आप देख सकते हैं स्टरिंग का एक है, हिलने से चक्का बॉबलिंग करता है, जिसके कारण ये नया बदल दिए हैं। इसको नया कुछ इस तरीके से आपको फिटिंग कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको खोल लेना है और फिटिंग इस तरीके से आपको फिटिंग कर लेना है। लेकिन नया डाला हूँ इसको, बैरिंग को हम सेट कर लिए हैं। इसका जो नंबर देख सकते हो 25877 इसका नंबर है, छोटे बैरिंग का नंबर 1988। अभी हाफ्स को सेट करेंगे, हाफ्स पूरे ग्रीसिंग कर लिए हैं हम, जिस तरीके से आपको सेट कर लेना है। एक वॉशर, जिस तरीके का वॉशर बोल्ट, अभी इसको टाइट कर देंगे। जैसे इस तरीके से आपको टाइट कर लेना है 32 नंबर पाना से। जैसे तो लॉक को कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है, फिटिंग कर लेना है। अभी चक्का उक्का पूरा सेट करके आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे चला के, इस तरीके से जैसे स्टीयरिंग जो है सही हो चुका है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मेरा अगला वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। देख सकते हैं सारा जो गाड़ी है मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी गाड़ी आपको सामने स्टार्ट करके दिखाएंगे, तो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। अभी चला के दिखाएंगे किस तरीके से स्टीयरिंग में काम कर रहा है। स्टीयरिंग ब्रो देखते, अभी फुल कटिंग हो रहा है, इतना जाम हो गया था स्पंडल खोलने के लिए बहुत दिक्कत गया है। इसका जो आयल सील है और 555 का आयल सील सेम आयल सील है।